आप लोग को बता दूं कि पाकिस्तान की दो बड़ी डैम है, मंगला डैम और तरबेला डैम। मंगला पावर स्टेशन, मैं खुद पहली बार आया हूँ, आप लोग खुद पहली बार आए होंगे मुझे लग रहा है। क्या पता आप लोगों से कुछ लोग आए होंगे तो कुछ नहीं पता। मंगला डैम भी नजर आ रही है तो देखिए इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़ी अजीब बात है माशाल्लाह। इतना बड़ा पावर स्टेशन, वो भी मंगला के अंदर। देखिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर। अच्छा लगा पावर स्टेशन आकर, पहली बार आया। हमारे फसलें काश्त होती हैं, उनके लिए हमने पानी जमा करना होता है डैमों में, और बवक्ते ज़रूरत के हम उस पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे आजकल गंदम की फसल तैयार है, बिल्कुल कटाई हो रही है, ठीक है ना। अब ये गंदम की फसल के बाद ना चावल की फसल काश्त हो, तो उसके लिए फिर पानी जो है ना हम डैमों में जमा करते हैं, क्योंकि पानी का जो सीज़न होता है ना, बारिशों का सीज़न, वो तो पूरे साल में 3 महीने ही होता है। ये जो जून, जुलाई और अगस्त, इसी में बर्फ़ पिघलती है, इसी में ही बारिशें होती हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में तो बड़े जो है ना वो दो ही डैम हैं, एक तरबेला डैम और एक मंगला। मंगला जो है ना वो दरिया झेलम में बना, दरिया झेलम जो है ना, ये दो दरिया, दरिया झेलम और दरिया नीलम, ये निकलते हैं मकमूजा कश्मीर से, ठीक है। तो मुजफ्फराबाद के पास ये दोनों दरिया इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके बाद ना वो एक दरिया बन जाता है दरिया झेलम। वो सारा पानी जो है ना वो मंगला डैम में आता है। दरिया झेलम में जो है ना ज़्यादातर पानी बारिशों का होता है, जो पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है वो पानी होता है, और जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं वो पानी होता है। तो ये जो सारा आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये वाटर है। अंकल ने हमें 4 मिनट्स तक टेक्निकल डिटेल्स बताई, जो आप विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं। इसके अंदर जाए ना तो आगे थोड़ा सा वाई ब्रांच बनती है, पीछे से एक टनल आ रहा है, हर टनल पे दो दो यूनिट, तो एक यूनिट ये है, एक वो आगे है, ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। इसको हम खाली करते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी जाते हैं डैम तक। ये 1500 फुट लंबी है, आखिर तक, ठीक है। इसके अंदर से पानी आता है, इसके दरमियान में एक वॉल है, इसको इनलेट वॉल बोलते हैं, ठीक है। ये इसका प्रेशर टैंक है, ये इसकी सर्वो मोटर है जो कि इसको ओपन क्लोज करती है, ठीक है। वो दो पंप लगे हैं जो कि इस प्रेशर टैंक में से पानी ट्रैवल करता है, ये रनर है, ये मशीन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। इसके साइडों से पानी टकराता है तो पानी नीचे चला जाता है, इसके ऊपर शाफ्ट लगी है, शाफ्ट के ऊपर जो टेंडर होता है उससे नीचे चला, इसके नीचे है, ठीक है। शाफ्ट है लोहे, ये इसके ऊपर कपल है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो जनरेटर है, और इसके नीचे वाला हिस्सा वो वाटर सप्लाई है। तो ये सारी चीज़ें जब रोल करती हैं तो फिर बिजली पैदा होती है। ओह, एक तो सीढ़ियाँ भी बार बार आ रही है, ये देखिए कितनी जबरदस्त सीनरी दीवार पे बनी है। ये यूनिट है, ठीक है, ये ऑटो पे चलती है, ठीक है। इस पर अभी 103 मेगावाट लोड है, 103 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है, ठीक। इसके अंदर जब कोई फॉल्ट आता है ना, यहाँ पे इरिगेशन आएगी इस बोर्ड में, अलार्म ब्लो करेगी, फिर हम इसको आके चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है, उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे मसला हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जो कंसर्न मेंटेनेंस सेक्शन है ना उसको कॉल करेंगे, वो आके इसको ठीक करेंगे। जो नीचे इनलेट वाल्व दिखाया था ना, ये अब उस यूनिट नंबर 5 का, ये ओपन किया, ये सारा खोल के बाहर ले आए हैं, इसकी रिपेयरिंग हो रही है, ठीक। ये रूटर है, इसके साथ वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग इसके साथ से उतारी हुई है, लगी हुई है, तो कपड़े
ट्रिपल करके तो इसको उठाते हैं, 400 टन वजन है। दोस्तों मुझे आपको मेरा छोटा सा टूर कैसा लगा, आइए अभी पानी में लेकर जाता हूँ। आप लोग को बता दूं कि बरसात की दो बड़ी डैम है, मंगला डैम और तरबेला डैम। जब ज्यादा बिजली बनाई जाए तो पानी का प्रेशर इतना होता है। Please subscribe my YouTube channel, Adventures of Hammad, Asif.